ग्राम पंचायत परिषद में 100 बच्चे हैं जिनका नामांकन हुआ है विद्यालय में, लेकिन परिषद विद्यालय की बिल्डिंग टूटी हुई है जिससे बरसात के महीने में बच्चों और अध्यापकों को पठन पाठन कराने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चों को या तो बरामदे में बैठा जाता है या तो बरसात के महीने में छुट्टी कर दिया जाता है। हाँ भैया, तुम्हारा स्कूल का नाम है? प्राथमिक विद्यालय परिषद। तुम्हारे स्कूल ठीक ठाक बा? नहीं। का बा दिक्कत? चुहत है। तो, हाँ। पानी बरसात स्कूल आ जाते हो? आपकी बेटी किस क्लास में पढ़ती है? कक्षा 5 में। आगे पढ़ा लिखा कर आप अपनी बेटी को क्या बनाना चाहती हैं? पढ़ा लिखा के यही चाहती हूँ कि DM बने, कलेक्टर बने। विद्यालय में समस्या दीदी, छत फट चुका है, वहीं पानी चुहा था। मतलब अगर फट गिर गया, लड़कियों के दिक्कत हो ना, तो एक नाते डर रहा था कैसे लड़कियों को भेज जाए स्कूल। विद्यालय में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, फिर भी जो मुख्य समस्याएं वो हैं, विद्यालय का छत जो है बिल्कुल काम उसका जो भीम है वो टूट गया है और छत जो है इसमें टपक रहा है, उसमें बैठने लायक नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम बच्चों को बैठाएं कहाँ, हम खुले में ले जाकर के बैठा पढ़ाना पड़ता है और बरसात में बड़ी दिक्कतें होती हैं। दूसरी समस्या और है कि बाउंड्री ना होने के नाते विद्यालय में जो काम हमारी बिल्डिंग है उस वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, वो बच्चे आकर के गांव के कुछ लोग हैं वो लोग आकर के दिक्कत खड़ी कर देते हैं। अच्छा बताओ आपकी कमरा के से का दिक्कत है? जब बरामदे इस फटा है, चिरका हुआ है। हाँ। जब बरसात होती है टपकता है, हम लोग भीग जाते हैं। तो लोग बारिश में कहाँ पड़ते हैं? बाहर। अब बरामदे घेराए हुए नहीं है। हाँ। हम लोग अंदर यहाँ पर बैठते हैं, गंदा होता है जो हमारे। वहाँ एक जो और समस्या खड़ी हुई है, विद्यालय परिसर में एक पहले से ही काली का पेड़ स्थान था जहाँ गांव के लोग भी आते जाते रहे हैं, लेकिन विद्यालय परिसर में है और वो पेड़ गिर गया। गिरने के बाद हम लोगों ने कहा कि यहाँ हमारे पास कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं देखा कि हम अगली बिल्डिंग बनवाएं कहाँ। इसके लिए गाँव वालों से बात है, गाँव वाले कहें कि यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन एक वहाँ के दबंग सिंह साहब हैं, ठाकुर समुदाय के, वो कह रहे हैं नहीं, हमारा ये पूर्व स्थान था और पूर्व में ही हमारा ये पेड़ था और इसी पेड़ पर यह काली का स्थान है, इसके स्थान पर दूसरा स्थान नहीं हो सकता। इसकी भी हमने सूचना जो है खंड शिक्षा अधिकारी को भेज दी है लिखित में भी, और जो छत टपक रहा था उसके लिए भी हमने लिखित सूचना दे दी है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है कि बिल्डिंग और आए बने, चार दिवाली बने या ना बने। मैं चाहती हूँ प्राथमिक विद्यालय परिषद का जल्द से जल्द बिल्डिंग बनवाई जाए ताकि वहाँ के बच्चों को पढ़ने में सुविधा हो, ताकि बच्चों के पठन पाठन में आसानी हो। मैं अपील करती हूँ कि BSA के मोबाइल नंबर 94530040607 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं चंदा भारती, उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहट के लिए।